वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम क्या है, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। आई होप जो मैंने वीडियोस बनाए हैं नेमिंग ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स पे वो तुम सब लोग को अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन एनी टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो आज भी यही सोच के कि ये वीडियो तुम लोग को अच्छे से समझ आए, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, जो हमारे दिमाग में आएगा या बच्चे के दिमाग में आता है वो ये है दैट व्हाट इज बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होता क्या है। तो देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होता है हम पहले वो समझते हैं। अगर मैं तुम लोगों ने साइक्लो एल्केन्स तो सुने होंगे ना, साइक्लो एल्केन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, साइक्लो एल्केन्स। तो मैं अगर दो एग्जांपल लेती हूँ साइक्लो एल्केन्स के, और वो दो एग्जांपल क्या है, मेरा मार्कर पहले ही खराब हो गया, और वो दो एग्जांपल क्या है, साइक्लो पेंटेन एंड साइक्लो ब्यूटेन, है ना। अगर हम ये दो एग्जांपल लेते हैं तो ये क्या है, साइक्लो एल्केन्स है ना। इसमें क्या है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन को हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, और दूसरा क्या है, साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर तुम ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये कुछ ऐसा नहीं बना रहे, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोब्यूटेन को अगर हम मिक्स कर देते हैं, मतलब एक दूसरे से मिला देते हैं, दोनों का मिलन करा देते हैं, तो क्या होगा, हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। तो यही होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, कंपाउंड्स विच कंटेन टू साइक्लो एल्केन फ्यूज्ड टुगेदर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, कंपाउंड विथ फ्यूज्ड साइक्लो एल्केन, विथ फ्यूज्ड साइक्लो एल्केन्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होता है, आई होप क्लियर होगा। कोई भी दो, जैसे अगर इसको देखोगे तुम ध्यान से तो मीथेन इथेन प्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन, ये दो साइक्लोप्रोपेन जब एक साथ चिपक जाते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। यहाँ पे भी तुम लोग अगर देख लोगे तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये साइक्लोहेक्सेन है और ये क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो जब यहाँ पे ये कैसे बना है, जब साइक्लोहेक्सेन इज बीइंग कंबाइंड विद साइक्लोप्रोपेन, है ना। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होता है, आई होप क्लियर है क्या होता है, इट इज अ कंपाउंड विद फ्यूज्ड साइक्लो एल्केन्स। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स को कैसे नेम करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगी, हम उतना सारा कहानी कथा नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चंस के थ्रू बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे। और वो बेसिक पॉइंट क्या है, जब भी तुम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स को नेम करते हो ना तो तुम सबसे पहले तो प्रीफिक्स लगाओगे, और वो प्रीफिक्स क्या है, बाईसाइक्लो। फिर तुम्हें एक ब्रैकेट लगाना है, उस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ नंबर को लिखेंगे, वो नंबर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी, और फिर हम क्या लिखते हैं, एल्केन्स लिखते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्केन मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और जो कार्बन एटम है ना वो दोनों रिंग के कार्बन एटम को कंबाइन करके यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। मतलब क्या है वो अभी मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझा रही हूँ। तो तुम्हें ऑर्डर क्या चलना है, इसी ऑर्डर के थ्रू, ये मतलब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाना है, मतलब इसी ऑर्डर के थ्रू तुम्हें पूरे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग करनी होती है। कैसे करोगे, बाईसाइक्लो विथ अ स्क्वायर ब्रैकेट इन बिटवीन, देन कम्स द नेम ऑफ एल्केन, देन कम्स एल्केन, और एल्केन में हम उतने सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम को लिखेंगे जो दोनों रिंग को मिला के बनते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अब हम इस वाले को नेम करेंगे, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो ब्रैकेट है ना इसके अंदर क्या आता है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ब्रिज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब मैंने ये चीज यहाँ लिख तो दी है लेकिन फिर भी अभी कुछ बच्चों को ये चीज, ये बात नहीं समझ आई होगी, तो हम अब इसको ना शुद्ध हिंदी भाषा में समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो नेमिंग, सबसे पहले हम क्या करते थे, नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड में भी सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेते थे, वो काम हम यहाँ भी करेंगे, चाहे जो आ जाए हमारे वो बेसिक रूल्स तो सेम रहेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन देन नंबरिंग करो, ठीक है।
तो यहाँ पे ना हम नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे चेन मेन स्टार्ट कहाँ से करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, यहाँ जब दो रिंग जब फ्यूज हो रहे हैं ना, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, BHC, दैट इज ब्रिज हेडेड कार्बन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, BHC, दैट इज ब्रिज हेडेड कार्बन। ठीक है, तो नंबरिंग ना तुम्हें हमेशा कहाँ से स्टार्ट करनी है, ब्रिज हेडेड कार्बन से ही करनी है, स्टार्ट करनी है ब्रिज हेडेड कार्बन से। और चलना किधर है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि अगर मैं मान लो यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1, तो अब मेरे पास ऑप्शन है मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। तो हमेशा उस तरफ जाना जहाँ पे बड़ा रिंग प्रेजेंट हो, समझ आया। जैसे अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल में लेती हूँ, तो ये दो रिंग को फ्यूज करके बनाए, यहाँ पे ब्रिज हेडेड कार्बन क्या है, ये है और ये है। तो मान लो मैंने इसको दे दिया 1 नंबर, तो अब जब मैंने इसको 1 नंबर दिया ना, तो 2 नंबर में किसको दूंगी, इसको कि इसको, तो हम इसको देंगे जो सबसे बड़ा रिंग है, बिगर रिंग, बिगर रिंग उसको पहले नंबरिंग करो, फिर छोटे की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एल्केन कितने हैं, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेप्टेन। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हेप्टेन। तो हम क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो फिर ब्रैकेट फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेप्टेन। तो ये हो गया इसका नाम। अब देखो यहाँ पे ये बीच में क्या लिखता है, बीच में हम ये लिखते हैं कि जो ब्रिज हेडेड कार्बन है ना, देखो उसके इस तरफ कितने कार्बन है और इस तरफ कितने कार्बन है। ठीक है, ब्रिज हेडेड को छोड़ के इस तरफ कितने कार्बन है, इस तरफ कितने कार्बन है, तुम्हें ये देखना है। तो ब्रिज हेडेड को छोड़ोगे तो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 3 तो दिख रहा है। ब्रिज हेडेड को कंबाइन नहीं करना है, आई एम रिपीटिंग अगेन, ब्रिज हेडेड कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1, 2, 3, और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 1, 2। तो मैंने बोला ना, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ब्रिज। तो इस ब्रिज में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3। इस ब्रिज में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2। तो हम क्या लिखेंगे, और लिखना भी किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 3.2.0। तो ये हो जाएगा इसका नाम, बाईसाइक्लो 3.2.0 हेप्टेन। बहुत इजी यार, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है। बस तुम्हें ये तो बाकियों से भी, एलिफेटिक से भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि एलिफेटिक में फिर भी हम बहुत सारे केसेस पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानी कथा सुनते हैं, तब जाके हमारा बहुत अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप होता है। यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हें एलिफेटिक आता है तो बस तुम 5 मिनट देखो, तुम्हें सारा कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है ये तुम लोग को समझ आया होगा। अच्छा, अब मैं तुम लोग को ना एक बात और समझा दूँ, यहाँ पे हमने ये 0 क्यों लिखा है। देखो, अगर हम ब्रिज हेडेड कार्बन के राइट हैंड साइड देखें तो कितने, इस वाले ब्रिज में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो कितने कार्बन है, 3, है ना। तो इधर 3 मतलब इधर 2 इधर 3, लेकिन इसके ऊपर या नीचे, मतलब ऊपर इन द सेंस, ऊपर मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो मैं इस वाले स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में ब्रिज हेडेड कार्बन ये है और ब्रिज हेडेड कार्बन ये है। ठीक है, तो पहले मैं इसको एक बार समझा दूँ, फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1, 2, 3, फिर क्या होगा, 4, 5, 6, और ये एक हो जाएगा कार्बन, 7, है ना। तो ये हो गया 7। अब देखो इस वाले में अगर हम नाम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो। तो यहाँ पे लिख दो बाई साइक्लो, ब्रैकेट डाला हमने, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, हेप्टेन, 7 है तो लिख दो हेप्टेन। अब हम लिखेंगे क्या, ईच ब्रिज में देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो ब्रिज हेडेड कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में 1, 2, 2 है, ब्रिज हेडेड कार्बन के राइट हैंड साइड में कितने कार्बन है, 2 है, और इसके ऊपर ये जो बनाया मैंने इसमें कितने कार्बन है, 1। तो नंबर क्या हो जाएगा, 2, 2 और 1, और लिखना कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे 0 नहीं आता है, क्यों, क्योंकि इस ब्रिज हेडेड कार्बन के ऊपर ये एक प्रेजेंट है रिंग, जिसमें कि कितने कार्बन है, 1। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, 2, 1, क्या हो जाएगा, 2, 2, 1। ठीक है, वाइल अगर इसमें देखोगे तो इसमें ऊपर ऐसे तो कुछ प्रेजेंट है ही नहीं, है ना, सिर्फ लेफ्ट और राइट में है। तो इसी वजह से हम लिखते हैं 3.2.0, समझ आ गया। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आगे वाला भी वही है, बहुत इजी है। अगर तुम ध्यान दो तो ब्रिज हेडेड कार्बन ढूंढो,
ये है ब्रिजेडेड कार्बन और ये है ब्रिजेडेड कार्बन। जहां पे भी दो रिंग्स ऐसे फ्यूज होते हैं ना वहां पे ब्रिजेडेड कार्बन दिखते हैं, ठीक है। तो ब्रिजेडेड कार्बन के किधर से चलोगे, 1, 2, 3, 4 है ना, 4 हो गए। तो यहाँ पे 4 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई साइक्लो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन। और अब ब्रिजेडेड कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना कार्बन है, 1, राइट हैंड साइड कितना है, 1, ऊपर नीचे तो कुछ है नहीं, तो 1, 1, 1.1.0 ये हो गया इसका नाम, बाई साइक्लो 1.1.0 ब्यूटेन, समझ आया। अब अगर सेकंड वाले में चलते हो तो सेकंड वाला बहुत इजी है, सेकंड वाले में भी ब्रिजेडेड कार्बन ये है 1 और ये वाला है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया ना नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट रिंग विच इज बिगर इन साइज, है ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, बाई साइक्लो ब्रैकेट कितना हो जाएगा, हेप्टेन। और अब क्या लिखेंगे हम, ब्रिज हेडेड कार्बन के राइट हैंड साइड कितना कार्बन है, 1, लेफ्ट हैंड साइड कितना, 1, 2, 3, 4, 4 तो 1, 4 और ऊपर नीचे कुछ है क्या, नहीं ना, तो 4 और 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 4, 1, 0 ये हो जाएगा, ठीक है, तो 4, 1, 0 ये हो गया इसका नाम। अगर तुम इसमें ध्यान दो ये वाला, चलो ये तुम लोग का होमवर्क हो जाएगा, ये वाला मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे ब्रिज हेडेड से स्टार्ट करो यहाँ और ये, तो यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, तो यहाँ पे ये बहुत इजी है यार, इसमें क्या ही अब तुम लोग कर लोगे। बाईसाइक्लो लिखो, फिर कितने नंबर है लेफ्ट, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है ईच ब्रिज में, तो इस तरफ कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और उधर कितना है, 1, तो 5.1.0 ऑक्टेन ये हो जाएगा इसका नाम। अब हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, जिसमें हमारे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड के साथ एक साइड चेन भी लगा है, तो हम इसको कैसे नेम करेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले वही सेलेक्ट करो कि ब्रिज हेडेड कार्बन क्या कौन है, तो हमने ब्रिज हेडेड कार्बन चूज कर लिया। अब हमारे पास बनता है, मान लो मैंने इसको 1 नंबर दिया, ठीक है, मैं इस वाले से दोनों केस एक्सप्लेन करती हूँ जो बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 नंबर देती हूँ तो मेरा क्या बनता है कि हम कहाँ से किधर की तरफ मूव करते हैं, जो बड़ा चेन है ना, तो हम यहाँ मूव करेंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, ये हो गया। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, लेकिन बेटा अगर ऐसे देख रहे हो तो 9 नंबर मिल रहा है मिथाइल को। और अगर अगर मैं ऐसा करूं, क्या करूं कि मैं नंबरिंग यहां से कर दूं, भाई ब्रिजेडेड कार्बन है, अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं, ठीक है, 1 इसको दूं, फिर अगर मैं, भाई मैं इधर तो नहीं जा सकती क्योंकि ये छोटा रिंग है और ये बड़ा है, तो मुझे जाना इधर ही की तरफ है ना, तो हम नंबरिंग तुम इसको दो, तुम्हें देखना है कि हम कौन सा तरीका ऑप्ट करें कि हमारे साइड चेन को कम से कम नंबर मिले। तो 1 अगर मैं इसको दे दूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो भी तो हो गया ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। हमारे पास पहले क्या नंबर मिल रहा था मिथाइल को, 9, अब क्या मिल रहा है, 7, भाई कम मिल रहा है ना नंबर, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, अंदर जो मैंने नंबर लिखा है उस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, 7 मिथाइल बाईसाइक्लो ब्रैकेट कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 4 इधर कितना है, 1, 2, 3, 4.3.0 क्या हो जाएगा, नॉन एन ये हो गया इसका नाम, ठीक है। सेम अगर मैं ये वाला एग्जांपल देखती हूँ तो इस वाले एग्जांपल में क्या है, ब्रिज हेडेड कार्बन देखो, ब्रिज हेडेड कार्बन ये है और ये है, ठीक। अब अगर तुम्हें एलिफेटिक के सारे रूल्स क्लियर है तो तुम सही करोगे, अगर वो क्लियर नहीं है तो तुम यहाँ गोबर कर दोगे, ठीक है। तो वो रूल्स क्या है तुम्हें ये समझना है। देखो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास साइड चेन तो है, लेकिन दो अलग अलग टाइप के साइड चेन है ना, दो डिफरेंट साइड चेन है, एक क्लोरो है एक इथाइल है, तो हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको कम नंबर मिले, है ना। तो हमारा बनता क्या है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती ना तो क्या होता, इथाइल वाले को 1, 2, 3 नंबर मिलेगा, है ना,
और अगर मैं इधर की तरफ चलूँ, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये तो इधर चलना तो और बेवकूफ़ी है ना। तो अगर मैं इधर से चलती हूँ तो 1, 2, 3 मिल रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको 1 कर दूँ, आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको 1 कर दूँ और यहाँ से चलूँ तो कोई हर्ज है क्या? कोई दिक्कत तो है नहीं। पहले 3 नंबर मिल रहा था, अब 2 नंबर मिल रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस कम्स 7, है ना। इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इसका नाम होगा 2-ethyl, क्योंकि ई पहले आता है ना, तो हम पहले वो लिखेंगे 2-ethyl 7-chloro bicyclo। फिर क्या होगा? ब्रैकेट, कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2.1, ब्रैकेट क्लोज, कितना हो जाएगा? हेप्टेन। ये होगा इसका नाम, समझ आया? तो देखो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने कायदे से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम क्या लिखेंगे? हम हमारे पास दो डिफरेंट साइड चेन है, तो हम पहले उसको लिखेंगे जो पहले, जो छोटा है नंबर में, मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। तो क्या लिखोगे? 2-ethyl 7-chloro bicyclo ब्रैकेट क्लोज 2.2.1, क्या हो जाएगा? ब्रैकेट फिर से क्लोज कर दो, हेप्टेन। ये हो गया इसका नाम, ठीक है। अब हम लास्ट वाला एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसमें भी ब्रिज हेडेड कार्बन ये है और ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चलूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये नंबर मिलता है। अगर मैं यहाँ से चलती तो मेरा नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो इसको तो सेम ही मिल रहा है, चाहे यहाँ से चलो चाहे यहाँ से चलो, 3.3, मतलब पहले भी 3 मिल रहा है, बाद में भी 3 मिल रहा है, लेकिन फर्क किसको पड़ रहा है? बेचारे मिथाइल को, है ना। तो भले ही ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसको नंबर कम तो दोनों ही तरीकों से मिल रहा है, लेकिन इसको भी तो कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर जब हम इधर से चल रहे हैं, किधर से किया था मैंने, मैं खुद भूल गई, अगर हम यहाँ से करेंगे नंबरिंग अंदर वाले तरफ से, जो मैंने किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये अंदर वाला तरीका सही है, क्योंकि उसमें मिथाइल को 6 नंबर मिल रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्या नाम होगा? पहले ब्रोमो लिखेंगे, तो क्या आएगा? 3-bromo 6-methyl। मैंने दोनों तरीका करके बताया है ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो, कंफ्यूज मत होना। जहाँ दिक्कत आएगी वीडियो पॉज करके एक बार समझना, दोबारा देखना, फिर करना, ठीक है। तो 3-bromo 6-methyl bicyclo, क्या होगा? इधर कितने हैं? 1, 2, 3 है, इधर कितने हैं? 1, 2, 3.2. कितना ऊपर? ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 0, क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? हेप्टेन। तो नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। तो ये हो गया हमारा नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कंप्लीट। आई होप तुम लोग को समझ आया होगा। मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए इसीलिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट में समझने वाला है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में ही समझा दिया था, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, तुम लोग को पसंद आता है, देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिले इस वीडियो का, समझ आया, और तुम लोग की तैयारी अच्छी से अच्छी हो। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू एंड बाय।